हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के यूनिट फोर्थ के बारे में। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओनली 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से 10 मार्क्स के पूछे नहीं गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है तो मैंने 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का यहाँ पे यूज लिखना और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। अगर आपकी इसकी सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख के ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। आपको सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगी, इसी चैनल पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ सिलोडिनाफिल। तो यहाँ पे सिलोडिनाफिल जो होती है इसका यूजेज लिखना है और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। यह क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया तो इसको जरूर से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है, व्हाट आर ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो इसका यूजेज बताना और ओरल कंट्रासेप्टिव होते क्या है इसकी डिफिनेशन आपको लिखनी है। आगे देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन हमारा है, ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिलोडिनाफिल एंड टेरडिनाफिल। तो यहाँ पे सिलोडिनाफिल और टेरडिनाफिल जो होती है इसका आपको केमिकल स्ट्रक्चर देना है, मतलब कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। देख लीजिए यही क्वेश्चन जो ऊपर भी पूछा गया है तो इसको जरूर से पढ़ के जाइएगा। आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेथिमाजोल। तो यहाँ पे मेथिमाजोल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे बताना है। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल, मैं सॉल्यूशन वाले वीडियो में इसको प्रोवाइड कर दूंगा, आप सभी क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं हमारा जो 6वां क्वेश्चन है, राइट द यूजेज ऑफ मेफिप्रेस्टोन। मेफिप्रेस्टोन का आपको यहाँ पे यूज लिखना है। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, राइट द यूजेज ऑफ प्रेडनिसोलोन एंड बेटा मेथासोन। यहाँ पे बेटा मेथासोन और प्रेडनिसोलोन जो है इसका यूजेस के बारे में बताना है। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट द यूजेस ऑफ डेक्सामेथासोन। तो यहाँ पे डेक्सामेथासोन क्या होता है इसके यूजेस के बारे में आपको बताना। अगर आपको लगता है कोई और भी क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स में तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आगे बात करते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्लासीफाई एंटी थायराइड ड्रग। तो एंटी थायराइड ड्रग होती क्या है, ठीक है, पहले इसके बारे में लिखेंगे। फिर थायराइड हार्मोन्स निकलता कैसे इसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बताएंगे कि आप एंटी थायराइड ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए, आपको एग्जाम के पहले ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में, एंड राइट ए डिटेल नोट्स ऑन प्रोपिल थाया यूरेसिल। आपको प्रोपिल थाया यूरेसिल है इसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना रहेगा, स्ट्रक्चर लिखना रहेगा, इसका यूजेज लिखने रहेंगे, इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में आपको लिखनी रहेंगी। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द स्ट्रक्चुरल क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव। तो ओरल कंट्रासेप्टिव मैंने पहले ही बताया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और हमारे 7 मार्क्स में भी आता है। इसका आपको स्ट्रक्चुरल क्लासिफिकेशन बताना। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन को उठाया हूं तो उसमें पूछा गया है। आगे बात करता हूं तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नॉमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। तो यहां पे नॉमेनक्लेचर आपको बताना है और स्टेरियो केमिस्ट्री स्टेरॉइड का नॉमेनक्लेचर और स्टेरियो केमिस्ट्री के बारे में बताना है। थोड़ा मतलब टफ है यह, मतलब इसका आंसर, लेकिन आप अगर समझेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, राइट ए नोट्स ऑन ओरल कंट्रासेप्टिव। देखिए ओरल कंट्रासेप्टिव यहाँ भी पूछा गया है, यहाँ पे भी पूछा गया और 2 मार्क्स में भी हमारा यहाँ पे ऊपर पूछा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओरल कंट्रासेप्टिव। यहाँ पे डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ मेफिप्रेस्टोन। तो यहाँ पे मेफिप्रेस्टोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर भी हमारे 2 मार्क्स में पूछा गया है, यहाँ पे मैंने अभी दिखाया है आपको, ठीक है। मेफिप्रेस्टोन के बारे में जरूर से आप पढ़ के जाइएगा, इसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है, इसका यूजेज लिखना है, और जो नॉर्जेस्ट्रेल होता है इसका आपको यूजेज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सभी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। और लियो नॉर्जेस्ट्रेल जो होता है इसके भी बारे में आपको वही लिखना है, इसका यूज, इसका स्ट्रक्चर, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी ही रहेगी, ठीक है, 7 मार्क्स में या 10 मार्क्स में भी आने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रीफ थोड़ा आंसर इसका है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए एक बार यहाँ पे इस तरीके से पूछा गया, एक ऊपर जो हमारा पहला क्वेश्चन मैंने देखा है इस तरीके से भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको जो थायराइड
जो होता है थायराइड ड्रग और एंटी थायराइड ड्रग, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है विथ स्ट्रक्चर एंड यूजेज। जितने भी थायराइड ड्रग आते हैं और जितने एंटी थायराइड ड्रग आते हैं उसका स्ट्रक्चर आपको बताना है, उसके यूजेस के बारे में आपको डिटेल में बताना है। ठीक, अगर आप ऊपर वाला यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा, थोड़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। यहाँ पे जो 6 वाला क्वेश्चन है इसमें बताना आपको, डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिफरेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, उसका स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, और जो कॉर्टियोसोन होते हैं और प्रेडनिसोलोन होते हैं इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर आपको, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका यूजेस के बारे में आपको लिखना रहेगा। तो हमारा प्रेडनिसोलोन भी यहाँ पे भी पूछा गया है हमारा, और 2 मार्क्स में भी यहाँ पे देख लीजिए पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, यही देखिए क्वेश्चन तीसरी बार इस तरीके से पूछा गया है, डिस्कस इन डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग। तो एंटी थायराइड का आपको डिटेल क्लासिफिकेशन देना है। तो ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है, यहाँ पे भी हमारे जो मैंने बताया पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी पूछा गया है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। इसके सॉल्यूशन अगर वीडियो चाहते हैं तब जरूर से सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।